अब हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। सो देयर फर्स्ट थिंग इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज दैट थिंग विच इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल द वर्ल्ड, मीन्स इट इज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल, वाइल अकाउंटिंग कॉन्वेंशन इज एक्सेप्टेड ओनली बाय अ फर्म। लाइक अ कंपनी ओनली एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन, सो इट विल इट इज़ डूइंग अकाउंटिंग कन्वेंशन। नाउ आई हैव रिटन सम फुल फॉर्म्स हियर विच शुड बी नोन टू यू। फर्स्ट इज़ आई सी ए आई। सो द फुल फॉर्म ऑफ आई सी ए आई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड इज़ ए एस बी, मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। थर्ड इज़ आई एफ आर सी, इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो दिस आर सम फुल फॉर्म्स विच यू कैन रिकॉग्नाइज बाय हार्ट। नाउ आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू सम टू वर्ड्स विच इज़ गोना बी सुपर यूजफुल फॉर योर रेस्ट ऑफ द अकाउंटिंग एंड स्टडीज, फर्दर स्टडीज। सो फर्स्ट वन इज़ एसेट्स। सो एसेट्स क्या होते हैं? बिजनेस में काम आने वाले सामान, जैसे बिल्डिंग, मशीन, लैंड, फर्नीचर, ये सब क्या है? बिजनेस के एसेट्स हैं। ये हमें फ्यूचर में फ़ायदा देके जाएंगे, इसलिए ये एसेट्स हैं। और सेकंड वर्ड है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मतलब हमने किसी से लोन लिया है, मतलब हमको उसे वापस पैसा देना पड़ेगा, तो वो लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है। ऐसा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो फर्स्ट फीचर इज इट इज़ मैन मेड, मीन्स इट इज़ मेडेड बाय अ मैन ओनली, एंड इट इज़ फ्लेक्सीबल, मीन्स एनीबडी कैन डू अकाउंटिंग बाय इट्स ओन। देयर इज़ नो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन टू डू अकाउंटिंग। एंड द थर्ड फीचर इज इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल। नाउ अकाउंटिंग एजम्पशन। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न, मीन्स इट इज़ रिकॉर्डेड बिटवीन फाइनेंशियल ईयर और ओरिजिनल ईयर। मीन्स एज यू नो फाइनेंशियल ईयर इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एंड ओरिजिनल ईयर इज़ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। सो वी रिकॉर्डेड रिकॉर्ड द अकाउंट्स इन एनी ईयर, मीन्स जनरली इट इज़ रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड इज़ कंसिस्टेंसी, मीन्स वी चूज अ पॉलिसी एंड देन स्टिक टू दैट पॉलिसी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी डोंट डू लाइक एवरी ईयर वी चेंज द पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग। वी चूज अ पॉलिसी एंड स्टिक टू दैट फॉर लॉन्ग टाइम। थर्ड इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मीन इज फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्रूअल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैश कॉन्सेप्ट। सो इन कैश कॉन्सेप्ट द एंट्री इज डन ओनली वेन वी गेट द मनी ऑफ सोल्ड आइटम, बट इन एक्रूअल कॉन्सेप्ट वी डन द एंट्री ट्वाइस, मीन्स वेन वी गिव द आइटम इन क्रेडिट उधारी में, या वेन वी गेट सेटलमेंट ऑफ मनी। सो इन एक्रूअल कॉन्सेप्ट वी डन द एंट्री ट्वाइस।